नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की बड़ी ताज़ा खबर के साथ। तो हिमाचल प्रदेश में आज बादल फटने की कई घटनाएं सामने आई हैं, तो कई लोगों की जान जा चुकी है। तो क्या ये तमाम खबर रहेगी आपके समक्ष, जरूर ताज़ा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो हिमाचल में भूस्खलन और बादल फटने से हाहाकार, 23 से अधिक की मौत, मलबे में 40 से ज़्यादा दबे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ भारी बारिश के चलते हुए भूस्खलन की चपेट में एक शिव मंदिर आ गया, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। एक बच्चे का सिर धड़ से अलग था। इसमें 40 से ज़्यादा लोगों के दबे होने की बात सामने आ रही है। शिमला के समरहिल इलाके में यह हादसा हुआ है। वहीं कांगड़ा ज़िले में बाथू पुल के पास चलती जीप पर मलबा गिर गया। हादसे में चालक प्रवीण की मौत हो गई है। अखबार लेकर चालक तड़के ऊना जा रहा था। वहीं शिमला के फागली में भी भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन की चपेट में एक मकान आ गया, इसमें 4 लोगों के शव मिले हैं। अभी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। राहत एवं बचाव कार्य चलाया जा रहा है। बता दें, सरकार के आदेश के अनुसार इस वर्ष 15 अगस्त के उपलक्ष्य पर होने वाले सभी कार्यक्रम स्थगित किए जाएंगे। यह निर्णय मौसम को देखते हुए लिया गया है। पंचायत में केवल झंडा फहराया जाएगा, यह सूचना पंचायत प्रतिनिधियों से मिली है। वहीं सोलन के अर्की की बलेरा पंचायत में मकान गिरने से 21 वर्षीय युवती और 15 वर्षीय किशोर की मौत हो गई है। दूसरी ओर जिला चंबा के भटियात विधानसभा क्षेत्र की रायपुर पंचायत में एक व्यक्ति मलबे में दब गया है। ग्राम पंचायत खरगट और टिकरी पंचायतों के मध्य में स्थित खकरून गांव में गौशाला में बंदी गाय और सड़क के साथ खड़ी की बलैरो गाड़ी बह गई। इसके अलावा पंचायत में पिकअप वाहन स्कूटी बाइक मलबे में दब गई है, जबकि घर के पास खड़ी की गई गाड़ी पर चील का पेड़ गिर गया है। उधर मंडी ज़िले के द्रंग विधानसभा क्षेत्र के इलाका उत्तरशाल की ग्राम पंचायत सेंगली के बम्बोला में मलबा गिरने से एक रिहायशी मकान चपेट में आ गया। इस दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 5 लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए बताए जा रहे हैं। नायब तहसीलदार कटोला हादसे की सूचना मिलते ही गाँव को रवाना हो गई है। तो कुल मिलाकर यही है बड़ी खास खबर कि हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन और बादल फटने से हाहाकार मचा हुआ है। तो 23 से अधिक की लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं मलबे में 40 से ज़्यादा लोग दबे होने की आशंका है। तो अभी के लिए यही है बड़ी खास खबर। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।